और ये लोग चर्चा पे और सहमति पे ना आए तो जरूर इसका अल्टरनेटिव हमें चाहे कौशल रोजगार से नए युवा साथियों को एनरोल कर उनको इनकी जगह लगाना पड़े, हम काम की एफिशिएंसी को। एक महीने से क्लर्कों की पूरे प्रदेश में हड़ताल चल रही है, उससे बताते रजिस्ट्रियां भी रुकी हुई हैं, बाकी काम भी रुके हुए हैं, उसमें कुछ तहसीलों के उससे देखिए क्लर्कों के ग्रुप की सीएम साहब की टीम के साथ चर्चा हुई थी, क्योंकि ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर है। वो अपना पे ग्रेड 19,500 से बढ़वा कर 35,400 है, 34,500 है, वो करवाना चाहते हैं। इसके अंदर मेरे से भी एक डेलीगेशन अभी रिसेंटली मिला था रोहतक के अंदर, मैंने उनसे आग्रह किया है कि इसके ऊपर सरकार को भी नुकसान हो रहा है, डे टू डे वर्किंग डिसिम्बेलेंस हो रही है। रजिस्ट्री हमारी 15 दिन बंद थी, उसके बाद जो क्लर्कों का काम था वो सिर्फ एक ओके बटन दबाना था तहसील के अंदर, उसको हमने रेवेन्यू साइड से एग्जेम्प्ट कर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कार्य नॉर्मल प्रक्रिया से अब चल रहा है, मगर जैसे एजुकेशन विभाग है और विभाग है जहाँ पर इनका रोल वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पर जरूर डिले आ रहा है। और मेरी फाइनेंस सेक्रेटरी से भी बात हुई है कि अगर ज़रूरत पड़े और अगर इसी तरह की नो पे नो वर्क के बाद भी स्ट्राइक चलती रहे और ये लोग चर्चा पे और सहमति पे ना आए तो जरूर इसका अल्टरनेटिव हमें चाहे कौशल रोजगार से नए युवा साथियों को एनरोल कर उनको इनकी जगह लगाना पड़े, हम काम की एफिशिएंसी को बढ़ा